रंगवांग सेमा समिति कोसीकला के तत्वावधान में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें होने वाली कबड्डी के लिए रूपरेखा बनाई गई। गंगवांग सेवा समिति के तत्वावधान में आज 2 और 3 सितंबर को होने वाली कबड्डी को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इसमें पूर्व अध्यक्ष अशोक सागवान और कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अब की नए अध्यक्ष उदय सांगवान को बनाया जाए, जिससे होने वाली इस कबड्डी में कुछ नया देखने को मिले। सभी की सर्वसम्मति से उदय सागवान को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कमेटी के संयोजक सत्वी सांगवान ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, इस आयोजन में लगभग 30 से ज़्यादा टीम कबड्डी भाग लेगी, जो कि कई राज्यों से आती है, जिसमें कुछ टीमों में प्रो कबड्डी के खिलाड़ी भी आते हैं। इसके साथ साथ महिला टीम भी इस आयोजन में शामिल होती है। पहले पुरुष कबड्डी का जो फर्स्ट इनाम था वो 31,000 था, अब उसे बढ़ाकर 41,000 कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की फर्स्ट प्राइज 21,000 था, उनको 31,000 कर दिया है। ये कबड्डी 11 साल से लगातार चल रही है। अब की बार इसको बड़े अच्छे ढंग से किया जाएगा, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बताएं आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया आपके द्वारा? आज अपने यहाँ पूर्व अध्यक्ष अशोक सांगवान के निवास स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आपके जो नवनियुक्त अपने अध्यक्ष उदय सांगवान इसमें नियुक्त किए हैं, और इस कार्यक्रम को क्योंकि ये 12वीं है, लगातार गत वर्षों से चल रही है, ये 12वीं प्रतियोगिता है, इसमें कुछ इनाम बढ़ा के पिछली बार 31,000 थे, अब 41,000 रुपये पुरुषों के लिए किया गया है इनाम, और 31,000 रुपये सेकेंड इनाम, और लड़कियों के लिए 31,000 रुपये, और सेकेंड इनाम 21,000 रुपये, ममता सिंह 3100 रुपये, और 2100 रुपये लड़कियों के लिए। इसमें लगभग पिछली बार पुरुषों की 32 टीम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इलाके यहाँ से आई थी, और लड़कियों की लगभग 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें टीम रही। इस तरह पूरे मैच मैच पे होंगे, और उम्मीद है कि अगर बरसात ना रही तो वाटर प्रूफ टेंट भी लगवाने का प्रावधान है। मुख्य अतिथि तौर पर हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ही रहेंगे, हर वर्ष की बात इस बार भी वो रहेंगे, और आगे जैसे जैसे ठाकुर जी की जैसी इच्छा रहेगी उस हिसाब और उसको बढ़ते रहेंगे।